अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे, कोफ्ता बिरयानी वो भी इंस्टेंट? जी हाँ, आप इंस्टेंट कोफ्ता बिरयानी बना सकते हैं अगर आप आज की ये वाली वीडियो कम्प्लीट देखेंगे और मैं बताए गए सारे स्टेप सही तरह से फॉलो करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं इंस्टेंट कोफ्ता बिरयानी बनाने का तरीका। सबसे पहले कुछ इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रख लेंगे, जैसे कि हरा मसाला में मैं यहाँ कटा हुआ धनिया, कटा हुआ पुदीना और 7 से 8 हरी मिर्च ले रही हूँ। पाउडर मसालों में 3 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी ज़ीरा पाउडर, 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 1 कप फेटा हुआ दही, 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और फाइनली ये रेडीमेड फ्रोजन कोफ्ते। अभी हम एक पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। ऑयल गरम होते ही इसमें कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और इसे लाइट ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं प्याज हमारी लाइट ब्राउन के साथ साथ क्रिस्पी फ्राई हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अभी इसी तेल में अभी हम फ्रोजन कोफ्ते एक एक करके ऐड करेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसे अलट पलट करते हुए दोनों तरफ फ्राई कर लेंगे। इस पूरे फ्राइंग प्रोसेस में फ्लेम मीडियम पे ही रखिएगा। अगर आप हाई फ्लेम पे कोफ्तों को फ्राई करेंगे तो कोफ्ते बाहर से जल जाएंगे और अंदर कच्चे रह जाएंगे। कोफ्ते परफेक्टली फ्राई होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। नेक्स्ट, अभी हम लेफ्ट ओवर तेल को एक सॉस पैन में ऐड करके इस्तेमाल करेंगे। इस गरम तेल में अभी हम खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 3 छोटे दालचीनी, 3 छोटे हरी इलायची, 4 लौंग, 1/2 टीस्पून शाहजीरा और 3 मीडियम साइज़ कटी हुई टमाटर। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और बाकी के पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे और टमाटर गलने तक पका लेंगे। टमाटर गलने के बाद अभी हम हस्बे अनुसार या सेहत अनुसार नमक ऐड करेंगे। मैं यहाँ 2 टीस्पून ऐड करूँगी। नेक्स्ट, हम इसमें 1 कप फेटा हुआ दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, कटा हुआ पुदीना और 2 छोटे हरी मिर्च। अभी हम इसे अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे।
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी हम फ्राई किए हुए कोफ्ता बॉल्स ऐड करेंगे। और मुट्ठी भर फ्राइड ऑनियंस डालकर इसे हल्का सा मिक्स करेंगे। बाकी के फ्राइड ऑनियंस हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। अभी इसे कवर कर देंगे और तेल छूटने तक सिमर पर पका लेंगे। ये देख सकते हैं तेल अच्छी तरह छूट गया है और कोफ्ते भी ज़बरदस्त पक चुके हैं, या आप यूँ बोलिए हमारे चिकन कोफ्ते की अखनी तैयार हो गई है। चलिए बिरयानी चावल बनाने का प्रोसेस देखेंगे। इसके लिए एक भगोने में पानी गर्म करेंगे, खड़े गर्म मसाले भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे या 2 टीस्पून नमक, मैं यहाँ 2 टीस्पून पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। साथ में हम ऐड करेंगे थोड़े से कटे हुए हरा धनिया, पुदीना और एक हरी मिर्च डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे कवर करके पानी में एक उबाल ला लेंगे। जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा तब धुले और सोक किए हुए बासमती चावल ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे कवर करेंगे और 90% पका लेंगे, क्योंकि बाकी के 10% हम दम पे पकाएंगे। ये देखिए 90% चावल पक गए हैं। अभी हम इसका पानी पूरी तरह स्ट्रेन करेंगे। पानी स्ट्रेन करने के बाद अभी हम चावल का हाफ पोर्शन एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के चावल पे पहले मेल्टेड घी डालेंगे। दो से 3 टीस्पून नींबू पानी भी ऐड करेंगे और कोफ्ते की अखनी जो हमने बनाकर रख लिए थे वो भी ऐड कर देंगे। अभी वही हाफ पोर्शन राइस जो हमने साइड पे निकाल कर रख लिए थे वो अभी ऐड करेंगे। ऊपर से येलो मिल्क भी ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा मेल्टेड घी या मेल्टेड बटर भी ऐड करेंगे, साथ में लाइम जूस। खुशबू के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और बाकी का कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ पुदीना और फ्राइड ऑनियंस ऐड करके इसे कवर करेंगे और 10 मिनट तक दम पे पका लेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, कोफ्ते की बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। इसे देखकर अभी तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वाह, आई थिंक आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, बिना वेट करे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए अपने घर में और अपने कमेंट ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो बॉस एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को, साथ में एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहे और अपने दुआ में मुझे ज़रूर याद करिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।